जदयू नेता एवं पूर्व विधायक महेश्वर प्रसाद यादव के पुत्र प्रभात किरण ने कहा है कि गायघाट विधायक निरंजन राय के द्वारा विधानसभा क्षेत्र में रासायनिक खादों की पर्याप्त उपलब्धता के दावे किए गए हैं, यह गलत है, यह किसानों के साथ मजाक है, उन्हें इस तरह का वक्तव्य नहीं देना चाहिए। उन्होंने कहा कि गायघाट विधानसभा क्षेत्र के कटरा गायघाट और बंदरा प्रखंड क्षेत्र में डीएपी एवं पोटाश खाद की किल्लत है, कई इलाकों में कालाबाजारी की भी शिकायत मिली है, इसके लिए किसानों में बेचैनी है, महामारी की स्थिति है, हाहाकार मची हुई है और इस बीच विधायक ने क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में खाद मिलने का दावा किया है, यह सरासर गलत है, इससे क्षेत्र के किसानों में गहरी नाराजगी है। ए टू जेड न्यूज लाइव से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसा कहकर विधायक ने निरीह किसान मजदूरों के भावनाओं एवं हालातों से मजाक किया है। खेती किसानी के मुद्दे पर क्या कहेंगे? आज तो आप कह रहे थे कि किसानों के लिए पार्टी से अलग हट के बात करेंगे। हाँ बिल्कुल, हमने कहा है जी। और जिस तरह से अभी रबी की बुआई के समय में पूरे जिले में क्या पूरे बिहार में खाद का कोहराम मचा है और पूरे गायघाट विधानसभा क्षेत्र की जनता आशा भरे नजरों से अपने जनप्रतिनिधियों को देख रही थी कि वो खाद उपलब्ध कराएंगे, चाहे खाद नहीं है तो खाद की किल्लत के विरोध में जिला में काम करेंगे, डीएम से बात करेंगे, सरकार से बात करेंगे। उसको पूरी तरह से निराशा में बदल दिया है। आज के अखबार में आपने पढ़ा होगा, दैनिक भास्कर में, उर्वरक समिति की जब मीटिंग हुई है जिले में, तो यहाँ के जो विधायक हैं स्थानीय अभी वर्तमान निरंजन राय, उन्होंने कहा कि खाद की कोई समस्या नहीं है और खाद की कोई किल्लत नहीं है, खाद एकदम उपलब्ध है लोगों, जबकि खाद की किल्लत है और सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि किसानों को खाद उपलब्ध हो। इसके लिए जनप्रतिनिधियों से उम्मीद थी जनता को कि लोग बात करेंगे, खाद की समस्या को दूर करेंगे, वहाँ वो आवाज़ उठाएंगे, लेकिन उल्टे इन्होंने निराशा भरा बयान दिया है, इससे जनता में काफ़ी आक्रोश है। क्या कहना चाहते हैं? कहना चाहते हैं कि खाद की समस्या है तो पूरे बिहार के स्तर पर है, उसके लिए सरकार लगातार प्रयासरत है कि खाद उपलब्ध कराएगी जनता को और हमारा कृषि मजबूत हो सके, इसके लिए सरकार तो प्रयास कर ही रही है, जनप्रतिनिधियों को भी सजग होना चाहिए। तो जैसा आज रतवारा में आपने कहा है कि किसानों के हित की बात होगी तो पार्टी के बिना ही हम बात कर सकते हैं, विरोध का झंडा उठा सकते हैं, ऐसा क्यों लगा कि मतलब कुछ कमी लग रही है आपको? ऐसा नहीं है, हमने जो किसान की मीटिंग थी उसमें वो निर्दलीय संगठन का बैठक था जी। और उसमें था कि किसानों की हालत बहुत बुरी है जी। उसके लिए आंदोलन होना चाहिए, तो सही स्थिति है कि किसानों की हालत खराब हो रही है दिन पर दिन दिनानुदिन, और इसमें जो अगर किसान कोई स्वस्फूर्त आंदोलन करते हैं उस समय हम पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके भी उनके आंदोलन का समर्थन। अच्छा, जैसा कि विधायक जी के वक्तव्य पर आपने टिप्पणी की है तो आपको नहीं लगता कि चूंकि वो आरजेडी से हैं उनको इस तरह का वक्तव्य नहीं देना चाहिए, अपोजिशन की बात करनी चाहिए, वो सरकार के सपोर्ट में बोल रहे हैं? कलेक्टर की चमचागिरी कर रहे थे, यहाँ जो जिला का कृषि पदाधिकारी है उसकी चमचागिरी में बोल रहे थे, रहा होगा कुछ अंदर का मामला, कलेक्टर की चमचागिरी कर रहे इस तरह के बयान तो जो सत्ता में जो लोग हैं उनको बयान देना चाहिए था, अपोजिशन वाले लोगों का इस तरह से बयान आना, ऐसा भरा बयान है, त्राईमाम है किसान खाद के लिए, इधर से उधर उधर से इधर दौड़ता है, और उस समय में एक जनप्रतिनिधि का एक एमएलए का इस तरह का बयान तो बहुत निराशाजनक है। तो गायघाट के लिए मजाक है? मजाक है, एकदम क्रूर मजाक। हम लोग लगातार लगे हुए हैं कि कहीं जो खाद की किल्लत है उसमें कालाबाजारी न कोई दुकानदार कर दे, उसके खिलाफ लगातार कंप्लेन कर रहे हैं। आपने पर देखा होगा कि इस जिले में सबसे पहले खाद की किल्लत के लिए अगर किसी जनप्रतिनिधि ने चिट्ठी लिखा कलेक्टर को तो महेश्वर प्रसाद यादव पूर्व विधायक सबसे पहले उन्होंने चिट्ठी लिखा, डीएम को लिखा, मुख्यमंत्री जी को लिखा, भेंट किया और लगातार सजग रहे कि किसानों को खाद उपलब्ध कराए। वर्तमान में क्या स्थिति है? वर्तमान में खाद उपलब्ध हुआ है, दामों में अंतर आया, कालाबाजारी में अंतर आया, कालाबाजारी के लिए सरकार सजग है, चारों तरफ कालाबाजारी करने वालों पर नजर रखी जा रही है, लगातार छापा पड़ रहा है, हम लोग भी लगे हुए हैं, कहीं से सूचना आती है तो तुरंत कलेक्टर को, एसपी को, सबको बोलते हैं। क्या परिचय है आपका? प्रभात किरण, हम जो है तिरहुत प्रमंडल के प्रभारी हैं, युवा जनता दल यूनाइटेड।